ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप डेली वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक आपने अर्निंग नहीं की, तो अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट आपको बताऊं जहां पर आप तीन तरह के काम कर सकते हो, चीजें सेल भी कर सकते हो, बाय भी करोगे और एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू यहां पे अर्निंग भी कर सकते हो। अब ये जो वेबसाइट आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है और स्कैम स्कोर के ऊपर ये 100/100 है कि आप इसके ऊपर यकीन कर सकते हो। अगर आपको कोई काम आता है तो आप इस साइट के ऊपर उस काम को सेल करके भी पैसे कमा सकते हो। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने लगी हूँ आप काम करोगे किस तरह से, और जो काम मैं आपको सिखाऊंगी आपने इस साइट के ऊपर सेल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताने लगी हूँ इस वीडियो के अंदर। अब दूसरा और तीसरा काम क्या है कि चीजें आप यहाँ से बाय करो तो भी हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम बाय नहीं कर सकते। इसके अलावा एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू आप दूसरों को मशवरे देकर भी इनके प्रोडक्ट सेल करा सकते हो। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ आप अकाउंट किस तरह से क्रिएट करोगे। आपको काम नहीं भी आता तो फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर आपको काम सिखाऊंगी, उसके बाद इस साइट के ऊपर जाके अपलोड करेंगे अपना वर्क। प्रॉपर पेमेंट मेथड भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस साइट से रिलेटेड। अभी हम करते हैं अपनी वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट। सबसे पहले मैं चली जाऊंगी गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैंने सर्च कर देना है एक टर्म, उसका नाम क्या है, inveter.com। इस साइट को लिख के आपने सर्च कर देना है तो इस तरह से इसका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट वन को तो नहीं, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है, तो हमने तो ऑर्गेनिक वाली साइट पे क्लिक करना है। हमने इस नीचे साइट के ऊपर क्लिक कर देना है इन्वेटर के ऊपर। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए इस तरह से इनकी साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि एवरीथिंग यू नीड टू गेट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स डन। इस साइट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, इस साइट के ऊपर आपको चीजें भी मिलेंगी, आपने खुद भी बेचनी होंगी और यहाँ पे एफिलिएट के थ्रू भी आप अर्निंग करोगे। तो इनकी पहले आपने एक दफा साइट देख लेनी है। ये सारी है इनकी साइट। अब नीचे आप देखें इन्वेटो एलिमेंट्स लिखा हुआ है और ये सब कुछ है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने अवर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें टॉप के ऊपर लिखा हुआ है ना अवर प्रोडक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपको तीन कैटेगरीज यहाँ पे मिलेंगी। नंबर वन है इन्वेटो एलिमेंट, सेकंड इन्वेटो मार्केट एंड थर्ड है प्लेसेट इन्वेटो। अब देखें ये जो फर्स्ट है, पहले मैं न्यू टैब के अंदर इस फर्स्ट वन को ओपन कर देती हूँ। इसके थ्रू क्या होगा, आप चीजें यहाँ पे बाय करोगे, मतलब इन्वेटो एलिमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने अपीयर होंगे। अब इन प्रोडक्ट्स का आपने करना क्या होगा, इन्हें आपने बाय करना होगा। ये देखें ये सारे हैं नीचे आपके पास प्रोडक्ट। अब ये डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड है, आप यहाँ पे न्यू कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट भी कर सकते हो। जब मैं बिल्कुल एंड पे चली जाती हूँ तो वाई क्रिएटर्स चूज एलिमेंट्स, इन्वेटो एलिमेंट क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15+ मिलियन एसेट्स हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सब्सक्रिप्शन एड करनी पड़ेगी, $17 पर मंथ का आपको इन्वेटो एलिमेंट पे लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब देखे जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे खुद ही बता दिया फ्रीली यूज करना है सब कुछ। बिल्कुल एंड पे देखे कमर्शियल लाइसेंस भी है यहाँ पे, कैंसिल आप किसी भी टाइम इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हो। ये अभी बाय वाला है कि आपने चीजें यहाँ से खरीदनी है, एक ही बार में आपने $17 पे करने हैं पर मंथ के। तो आप जो कुछ भी लेना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से लोगे और उसे आप आगे सेल भी कर सकते हो। अब इंडिविजुअल के लिए $16 पर मंथ है, अगर आप स्टूडेंट हो तो 30% ऑफ मिलेगा। अगर टीम वर्क है तो आपने क्या करना है, जब आप अपने 5 मेंबर्स को ऐड करोगे तो आपको $10 में ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अभी हमने क्या करना है, हमने इस साइट को बंद कर देना है और हमने चले जाना है इन्वेटो मार्केट, क्योंकि हमने चीजें नहीं खरीदनी है, क्योंकि हमने चीजें नहीं खरीदनी है, हमने क्या करनी है यहाँ पे सेल करनी है। इन्वेटो एलिमेंट पे चले जाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये इसका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप किस किस तरह की चीजें सेल कर सकते हो, तो डिफरेंट टेम्पलेट्स, डिफरेंट वीडियोज होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पलेट्स हैं, लोगो डिजाइन आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इनकी साइट को आपने एक दफा पहले पूरा देख लेना है कि क्या क्या चीजें सेल होती हैं। अब ये देखें नीचे ऑलरेडी कुछ लोगों की फीचर थीम्स भी हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, लोगों ने सेल किए हुए हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो इन्वेटो मार्केट के अंदर आपने अपनी चीजें सेल करनी है। अब अगर आपको काम नहीं आता कि आपने सेल क्या करना है, आपको तो कुछ भी अगर नहीं आता लेट्स सपोज, तो मैं वीडियो में बता देती हूँ आपको, आपने कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से आइडिया लेके काम करना है। एक चीज हम यहाँ पे अपलोड भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। अब थर्ड जो साइट है इस पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास। मैं अब बिल्कुल एंड पे चली जाती हूँ और अभी हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एंड के ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे है सेलर का ऑप्शन, सेलर पे आपने क्लिक कर देना है। अभी इस वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है कि ये किस तरह से वर्क करती है। इन्वेटो के अंदर यहाँ सेलर के ऊपर क्लिक कर दिया तो कहते हैं यहाँ पे 2 मिलियन+ कस्टमर्स हैं, तो आपने क्या करना है, बिकम एन इन्वेटो ऑथर टुडे, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर पहले आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके इनकी साइट भी देख सकते हो, बिल्कुल रियल है और ये फाइवर अपवर्क और डिफरेंट साइट से भी बिल्कुल बेस्ट है आपके पास। स्कैम एडवाइजर पे स्कैम स्कोर इसका 100/100
है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर दूंगी तो कहते हैं कि लॉग इन करें यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल एप्पल, एप्पल तो अभी हम एप्पल वाले तो है नहीं है, हमने यहाँ कर देना है गूगल पे क्लिक। तो जब आप गूगल पे क्लिक कर दोगे तो ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इन विद गूगल, आपकी कोई भी जीमेल यहाँ पे लग जाएगी। लग जाने के बाद क्या होगा जी, अगला स्टेप है लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने क्या करना है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है, रीड करते हो कर दो सब कुछ, अब टिक करोगे तो तभी आगे जाओगे, वैसे तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपने ब्लू टिक के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यह क्या हो जाएगा, वेलकम ऑन बोर्ड, अब जो मैंने जीमेल लगाई थी वही नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो अब मुझसे यहाँ पे कहते हैं कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, तो देखे टेल अस योर प्लान, अपना प्लान बताएं। तो मैं क्या कहती हूँ, आई ऑलरेडी मेड माई लिविंग फ्रॉम मेकिंग एंड सेलिंग। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना, हमने बिल्कुल इन्वेटो पे ही ट्रस्ट करना है, हमने कहना है कि सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा कोई साइट कोई वेबसाइट नहीं, हमें आप पे यकीन है। आई प्लान टू मेक एंड सेल आइटम्स पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का तो सोचना भी नहीं है, आपने इन्वेटो से कहना है फुल टाइम मैंने काम करना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग आते रहते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब जब रियल वेबसाइट मिल ही गई है तो कहो ना इन्हें कि हम फुल टाइम काम करेंगे, उन्हें क्या पता आपने फुल टाइम काम करना है या पार्ट टाइम। तो आपने यहाँ फुल टाइम पे क्लिक कर देना है ताकि ये आपको प्रेफर करें और आपकी आइटम्स को आगे लेकर आए। फुल टाइम पे क्लिक कर दिया, अब कहते हैं कि आपने एक्सक्लूसिवली इन्वेटो पे काम करना है या क्या करना है जी, एल्सवेयर। तो हमने एल्सवेयर का सोचना भी नहीं है, हमने कहना है कि सब कुछ इन्वेटो ही है, इन्वेटो ही हमारी लाइफ है। आई विल सेल एक्सक्लूसिवली ऑन इन्वेटो, ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो कहते हैं आपकी स्पेशलिटी किस में है, तो आप इनमें से कौन सा काम जानते हो, वेबसाइट थीम्स एंड टेम्पलेट्स, अगर काम नहीं भी आता ना अभी टिक कर दो, मैं आगे बताती हूँ। वेबसाइट थीम्स एंड टेम्पलेट्स, कोड स्क्रिप्ट एंड प्लगइन्स, अभी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन एसेट्स एंड टेम्पलेट, इसके अलावा स्टॉक फोटोग्राफी, अगर आप अच्छी पिक्चर ले सकते हो अच्छे कैमरे से पिक्चर ले सकते हो, आपने यहाँ पे स्टॉक फोटोग्राफी पे क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देती हूँ ग्राफिक डिजाइन एसेट एंड टेम्पलेट्स, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगी। तो ये देखें आपने क्या करना है, क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना, ठीक है, क्वालिटी पे काम करना है। अब टेक मी टू माय डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो अब हमारे पास ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखिए मुझे इन्वेटो की ईमेल भी रिसीव हो गई है कि वेलकम, आप हमारी साइट पे आए हैं, खुशामदीद। अब क्या कहते हैं जी, अपनी लोकेशन ऐड करें, ईमेल, न्यूज़लेटर, आपने लोकेशन पे लिख देना है अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान लिख के आपने सर्च कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ब्लू टिक कर देनी है, नीचे कर देना है ऑल गुड लेट्स गो, इस पे क्लिक कर दोगे जब आप, तो फिर क्या होगा जी, पहले मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल एंड पे चली जाती हूं। तो ये देखें कितने ज्यादा फिगर्स हैं यहां पे, कम्युनिटी अर्निंग कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 10 digits की कम्युनिटी की अर्निंग हुई है। इसके अलावा आइटम कितने सोल्ड हुए हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits यहाँ पे आइटम सोल्ड हुए हैं। अब पता नहीं ये कितने डॉलर्स हैं, और ये डॉलर्स में है, ठीक है, ये PKR की बात तो चल ही नहीं रही यहाँ पे, यहाँ पे सारी बात चल रही है डॉलर्स के अंदर। तो ये देख लें ट्रस्टवर्दी साइट है या नहीं है ये आपके पास, इतने आइटम सोल्ड हुए हैं, कम्युनिटी के अंदर लोगों को इतने पैसे मिले हुए हैं, तो ये बिल्कुल रियल है। अब मैं क्या कर देती हूँ जी, अब लोकेशन भी लिख दी थी, टर्म्स एंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करके ऑल गुड पे, जब हमने ऑल गुड लेट्स गो पे क्लिक कर दिया तो अब कहते हैं जी अपलोड योर फर्स्ट आइटम, अपना फर्स्ट आइटम यहाँ पे अपलोड करें। तो हम क्या करते हैं जी, अपना फर्स्ट आइटम तो अपलोड करते हैं, लेकिन एक मिनट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी तो ये देखें इस साइट के ऊपर, अब ये पूरा डैशबोर्ड है आपका, आपके पास इन्वेटो का। अब हमें कहते हैं कि आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड हमें बताएं क्या कैटेगरी है, मतलब किस चीज से रिलेटेड आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेंड करोगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं ग्राफिक, ग्राफिक्स लिख के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, ग्राफिक, लोगो डिजाइन, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ग्राफिक लिख के मैंने सर्च कर दिया, अब ये देखें इस तरह से इसका ये डिस्प्ले ओपन हो गया है हमारे पास। अब हमें कहते हैं आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और नीचे आपने अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। तो अपना नाम किधर से लाएं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किधर से लाएं, प्रोडक्ट है क्या हमें तो ये भी नहीं पता ना। तो अब आपने क्या करना है जी, गूगल पे सिंपली सर्च कर देनी है एक साइट जहाँ से हम अपना लेंगे काम। गूगल पर आपने लिख देना है क्रिएटिव फैब्रिका, गूगल पे आपने लिख के सर्च कर देना है। तो इस तरह से इनकी साइट ओपन होगी, इस फर्स्ट वन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस साइट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, अब देखिए नीचे डिफरेंट इनकी प्राइसेस हैं, लेकिन अभी ये न्यू ऑथर को अलाउ करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ टॉप के ऊपर थ्री लाइन पे जब मैं क्लिक कर देती हूँ, पहले आप ये देखिए ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, आगे पैसे भी लिखे हुए हैं। हमने टॉप के ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करके नीचे फ्री बी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब मैं फ्री बी के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो अब इनके पास यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ फ्री किससे रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, क्योंकि हमने ग्राफिक्स सिलेक्ट किया था। अभी ग्राफिक पे क्लिक कर दिया तो ये देखें सारी पिक्चर्स आ गई हैं, सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें आप यूज कर सकते हो। इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। देखो आप कैनवा के ऊपर जाने से बेहतर है, वहाँ डिजाइन क्रिएट करने से बेहतर है आप यहाँ से कोई डिजाइन
डिज़ाइन सेलेक्ट कर दो अपने पास। मैं कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ, एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर दिया, लेट्स सपोज ये फनी किचन बंडल, ये इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें ऊपर प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, नीचे पिक्चर है और नीचे है जी डिस्क्रिप्शन। जल्दी से अब आपने क्या करना है, क्रिएटिव फॉर्म फैब्रिका के ऊपर साइन इन कर देना है, जस्ट जीमेल लगा देनी है, तो ये हो जाएगी। इस तरह से जीमेल यहाँ पे लग गई है। अभी हमने क्या करना है, नीचे चले जाना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमारे पास पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। आपने जब डाउनलोड कर दी है अपनी पिक्चर, तो अब क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देखें ऊपर डाउनलोडिंग हो रही है, ये पिक्चर आपके पास डाउनलोड हो रही है। अब नेम के अंदर आपने क्या लिखना है जी, अभी जो फनी किचन बंडल था प्रोडक्ट का नेम, ये देखें ये है ना नाम, हमने इसे कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने इन्वेंटो पे आ जाना है, इन्वेंटो पे आ जाना है और यहाँ नेम की जगह हमने पेस्ट कर देना है नाम। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने जो लिखना है मैं आपको बताती हूँ, दोबारा से चले जाना है साइट के ऊपर, ये सारी है नीचे डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसे कर देना है कॉपी और पेस्ट कर देना है इन्वेंटो के ऊपर। अब देखें इस तरह से आपने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब कहते हैं जी चूज फाइल, तो आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपने देखी थी। चूज फाइल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी, तो अब कहते हैं यहाँ पे आपने अपलोड करनी है पिक्चर, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ फाइल के अंदर, डाउनलोड के अंदर ये थी पिक्चर, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब नीचे कहते हैं, अब आपने यहाँ पे नीचे और से देखना है, यहाँ पे आपने नीचे और से देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या कहते हैं पिक्चर प्रीव्यू, और इसके अलावा इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है कि थंबनेल आपने अपलोड करना है, प्रीव्यू इमेज करनी है, इमेज प्रीव्यू करनी है, और नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट लिखे हुए हैं कि जेपी जी के अंदर करना है, इसके अलावा पिक्सल के अंदर करना है, थंबनेल किसके अंदर करना है आपने। तो अभी जो पिक्चर आपने ली थी क्रिएटिव फैब्रिका से वो आपने यहाँ पे ऊपर पोस्ट तो की है, लेकिन अब थंबनेल के लिए आपको पीएनजी के अंदर 80x80 पिक्सल का थंबनेल चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेपीजी के अंदर 580x386 का आपको यहाँ पे इमेज प्रीव्यू चाहिए। तो आपने क्या करना है, कैनवा के ऊपर चले जाना है और कैनवा के ऊपर जाके आपने अपनी वही वाली पिक्चर अपलोड कर देनी है। कैसे मैं बताती हूँ आपको, कैनवा के ऊपर जाके आपने यहाँ टॉप के ऊपर लिख देना है 80x80 का थंबनेल आपको चाहिए, या आपने क्या करना है यहाँ पे अपनी कोई भी कैनवा के ऊपर जाके पिक्सल सिलेक्ट कर देने हैं अपने जो भी वहाँ पे लिखे हुए थे उस साइट के ऊपर, 80x80 था या 280 जितना भी था आपने यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद आपने यहाँ पे सर्च अप कर दिया, तो आप ये देखें इस तरह से आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, नीचे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपने वही वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसका साइज आपने वही रखना है जो आपसे मांगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। अब अगर मैंने यहाँ पर वो सारी वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं यहाँ से डायरेक्टली कर देती हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ से कर देती हूँ उस फॉर्मेट के अंदर। आपने कैनवा के ऊपर आके सर्च के अंदर लिख देना है 80x80 का आपको थंबनेल चाहिए, वो साइड आपने सिलेक्ट कर देनी है, नीचे अपलोड कर देनी है अपनी पिक्चर। इस तरह से मैं सारी 1x1 अपलोड करके इनका साइज चेंज कर दूंगी। सर्च यहाँ पे आपको पिक्सल लेने पड़ते हैं, डिफरेंट साइज आपको लेना पड़ता है थंबनेल के लिए, ताकि जब आप अपलोड करो तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से वो अपलोड हो। यहाँ ऊपर एरो के अंदर क्लिक करके पीएनजी है, जेपीजी के अंदर आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, पीएनजी के अंदर है या जेपीजी के अंदर करके आपने डाउनलोड कर देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है साइट के ऊपर और यहाँ पे आपने उसे पेस्ट कर देना है। थंबनेल का साइज भी आपके पास आ गया, इमेज प्रीव्यू का साइज भी आपके पास यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। अब अगर वीडियो के अंदर मैंने कैनवा का बता दिया तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपने इन दोनों टेम्पलेट को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करोगे, आपने यहाँ पे ग्राफिक्स सिलेक्ट कर देना है, नीचे दोनों सेक्शन को आपने यस कर देना है, और इसके अलावा देखिए नीचे आपके पास आ जाता है पिक्सल डायमेंशन का। तो जो आप पिक्सल सिलेक्ट करोगे, जो थंबनेल का आप पिक्सल सिलेक्ट करोगे, पिक्चर की जो पिक्सल होगी आपने वहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे 1080x1080 आपने लिख के सर्च कर देनी है। इसके अलावा नीचे कहते हैं टेक्स्ट, तो आपने दोबारा से चले जाना है क्रिएटिव फैब्रिका के ऊपर और यहाँ से आपने एंड पे चले जाना है। तो देखे पिक्चर के नीचे डिफरेंट टेक्स्ट है, आपने कर देना है कॉपी और इस साइड के ऊपर आके आपने पेस्ट कर देने हैं सारे के सारे टेक्स्ट। अब क्या होगा, नीचे प्राइसिंग है, आपने यहाँ पे $6 लिख देनी है, तो आगे 1 क्या होगा बायर की फी होगी और आगे ये आपको इस तरह से ये चार्ज करेंगे। आपने अगर यहाँ पे $8 लिखा है तो ये देखें, जब आप $8 यहाँ पे लिखते हो तो ये बायर फी कितनी है 10, तो परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी आपके पास। इस तरह से आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस रख देनी है। प्राइसेस रख देने के बाद नीचे मैसेज टू रिव्यूअर, तो आपने यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देना है रिव्यूअर के लिए कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड आपने थोड़ा सा बता देना है उन्हें, और यहाँ पे आपने टिक के ऊपर क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये पिक्चर आपके पास अपलोड हो जाएगी इन्वेटो की साइट के ऊपर, ये पिक्चर आपके पास अपलोड हो जाएगी। अभी मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे ऐड नहीं की हुई है, जैसे मैसेज टू रिव्यूअर, इसके अलावा प्राइस भी मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं की हुई है, आपने यहाँ पे प्राइस भी फिक्स कर देनी है, और जो थंबनेल का साइज था वो आपने कैनवा से 80x80 पिक्सल का क्रिएट कर देना है उसी पिक्चर के ऊपर जो भी हमने पिक्चर क्रिएट की है। यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है, आपकी ईमेल लिखी हुई है, आप देखें यहाँ टॉप के ऊपर, इस पे मैं क्लिक कर दूंगी तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपकी पेमेंट मेथड, पे आउट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक कर दिया तो सेट
अकाउंट पे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए तीन पेमेंट मेथड है, पेपाल तो है ही नहीं पाकिस्तान में, पायोनियर है, स्विफ्ट है। पायोनियर पे क्लिक कर देना है और नीचे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे कहेंगे आप अपनी डिटेल दें, बैंक डिटेल सारी की सारी आप हमें यहाँ पे दें, अपने पायोनियर अकाउंट से रिलेटेड दें। तो जब आप अपलोड पे क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे इनकी साइट के ऊपर इनलिस्ट हो जाएंगे। ये आपको ईमेल देंगे, ईमेल के अंदर ये आपको बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट था, आपने जो पब्लिश किया था, ये आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट इनलिस्ट हो गया है। अब जब भी कोई वहां से सेल करेगा उसे, तो आपको उसके ये पैसे ट्रांसफर करेंगे। पायोनियर के थ्रू ये आपको ट्रांसफर करेंगे, स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। आप देखें यहाँ पे कहते हैं वेलकम टू पायोनियर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो आपसे कहेंगे अपनी ईमेल एड्रेस दें और अपना बैंक अकाउंट आप यहाँ पे हमें दें। इस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तीसरा तरीका है एफिलिएट के थ्रू, कि आपने जस्ट क्या करना है, इनकी साइट के ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर देना है। जब आप उन्हें ज्वाइन करोगे तो उसके बाद अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब किसी भी चैनल के ऊपर आपने उसका लिंक पेस्ट कर दिया, तो जो लोग भी उस लिंक पे क्लिक करके इनकी साइट के ऊपर आएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, और वो भी बहुत ज्यादा कमीशन है। उम्मीद करती हूँ जी ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। इस साइट के ऊपर आपके पास तीन फीचर्स थे, आप चीजें सेल करोगे, चीजें बाय करोगे या दूसरों को मशवरे देकर एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आप अर्निंग करोगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपने लाइक कर देना है और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से इस साइट के ऊपर आप अप्लाई करो, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल किए हुए हैं। अब अगर आपको काम नहीं भी आता तो फिर भी हमने सीख लिया कि हम किस तरह बना बनाया काम लेके उसे सेल करेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।